हेलो वेलकम। आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा। तो उसके लिए ये हमने गाजर लिया है, कैरेट, इसको हमने अच्छी तरह से धो के कैरेट को यानी कि गाजर को हम इसको अच्छी तरह से ऊपर से ये छील के उसको अच्छी तरह से वॉश करके उसको हम ग्रेट कर देंगे। बड़े 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 जो ग्रेटर है आपके पास वो बड़ी दोनों साइज आती है, छोटी और बड़ी। तो बड़ी साइज से आपको इसको छीन लेना है, ग्रेट कर लेना है। तो उसके लिए ये हमने थोड़े से गाजर लिए हैं, ड्राई मेवा लिया है थोड़ा सा हमने, किशमिश, काजू, बादाम। तो ये जो काजू हमने हाफ हाफ कट कर लिया है, उसी तरह से आप बादाम को भी थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी कट कर लीजिए। दूध यानी कि मिल्क, शुगर और घी की लिया है। तो ये हम एक बड़े से पैन में हम इसको गाजर को भूनेंगे थोड़ी देर के लिए। तो वो हम दूसरा स्टेप आपको बाद में बताएंगे। पहले ये है कि गाजर के हलवे के लिए हमने ये सब इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। तो दूध यानी कि मिल्क, शुगर, घी, गाजर और ड्राई फ्रूट यानी कि सूखा मेवा लिया है थोड़ा सा हमने। तो उस हिसाब से बड़े पैन में हम पहले इसको अच्छी तरह से ऊपर से ये स्किन उसकी निकाल के कैरेट को वॉश करके उसको हम ग्रेट से ग्रेट कर लेंगे पूरा। फिर उसको हम दूसरा स्टेप आगे हम क्या करेंगे इसका ये बताएंगे। ये हमने हमारे गाजर हमने ग्रेट कर लिए हैं। तो इस तरह से आप सब गाजर आपके ग्रेट कर लें। और ये हमने घी गरम रखा है, तो ये घी हमारा जैसे गरम होता है हमने ये आलमंड और कैशियो अंदर मिक्स कर दिया है अच्छी तरह से। और ये जो हमने दूध निकाला है वो हमने रूम टेम्परेचर जितना गरम कर लिया है, थोड़ा सा नॉर्मल हमने थोड़ा सा हमने गरम कर लिया है, बहुत नहीं। तो ये हमारा कैशियो हो जाए उसके बाद गरम, आप थोड़ा इसको भून ले कैशियो और आलमंड को थोड़ा सा। आप चाहे तो ऊपर से भी लास्ट में भी डाल सकते हैं ग्रेट करके, पर ये हम अंदर घी में डालेंगे थोड़ा सा, उसको सौते कर लेंगे। तो ये कलर उसका थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाए तब, और उसके बाद ये थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाए तब ये हम कैरेट हमारा ग्रेट किया हुआ हम इसमें कैरेट डाल देंगे सब, और उसको 5 मिनट तक हम धीमी आंच पे उसको सेक लेंगे कैरेट को। ये हमने 5-6 मिनट कैरेट को अच्छी तरह से हमने भून लिया है। तो आप थोड़ी देर इसको अच्छी तरह से सेक लें 5-6 मिनट, और उसके बाद ये दूध है वो पूरा दूध अंदर हम डाल देंगे धीरे से। आप चाहे तो इसमें खोया यानी कि मावा भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास मावा नहीं है तो आप थोड़ा सा दूध की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दें, जितना हिसाब से लेना है उससे थोड़ा ज़्यादा थोड़ा सा डाल दें तो मावे जैसा ही हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास भी मावा है नहीं अभी। तो ये हमने थोड़ा दूध हमने थोड़ा ज़्यादा लिया है। तो ये दूध डाल के अब इसको अच्छी तरह से पकने दें, करीब 20-25 मिनट तक इसको अच्छी तरह से पकने देना है, जब तक पानी यानी कि दूध जो मावे की तरह होके कैरेट में मिक्स हो जाए तब तक उसको पकने दें। ये अभी पतला पतला है दूध हमने अभी डाला है, तो फिर धीरे धीरे पकेगा तो ये दूध मावा जैसा होगा और अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। तो उसके बाद हम डालेंगे शुगर। तो ये अब हम 20 मिनट तक मीडियम आंच पे इसको हिलाते रहिए। ये हमारा दूध अंदर से पूरा गल गया है, थोड़ा थोड़ा बचा है, तो आप इसको इसमें अब शुगर मिला लें अपने हिसाब से।
आपको जितना मीठा चाहिए उस हिसाब से आप अंदर शुगर ऐड कर लें। मीठा कम खाते हैं कम खाते हैं उस हिसाब से आप अंदर शुगर डाल दीजिए और फिर उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। कैरेट थोड़ा स्वीटी होता है तो ज़्यादा स्वीट कई लोग नहीं खाते हैं तो उस हिसाब से कम आप शुगर डालिए और अच्छी तरह से मिक्स करके शुगर का पानी जब तक पूरी तरह से सूख ना जाए तब तक इसको हिला के पकाते रहिए 15-20 मिनट तक। ये हमारा हलवा इस तरह से आप इसको सेक ले पूरा अंदर से जो पानी का हिस्सा है दूध और शुगर का पानी का हिस्सा जो छूटता है वो पूरी तरह से छूट जाना चाहिए इसमें से और जो हमने घी डाला था वो घी इसमें से निकलना चाहिए। तो आपको सेकेंगे आप इसको तब आपको पता चल जाएगा कि ये अंदर से पानी का जो भाग है वो पूरी तरह से सोख गया है। तो तब तक आप इसको अच्छी तरह से हिलाते रहिए जब तक ये अच्छी तरह से पक ना जाए तब तक आप इसको अच्छी तरह से 10-15 मिनट मीडियम आंच पे इसको हिलाते रहिए। तो ये आज की हमारी रेसिपी गाजर का हलवा गर्मा गर्म रेडी है। तो इसको आप बाउल में निकाल के गर्मा गर्म सर्व कीजिए और ये बहुत ही टेस्टी है बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। कई बच्चे कैरेट नहीं खाते हैं तो ये इस तरह से आप उसका थोड़ा सा हलवा बना के बच्चों को दिए तो ये स्वीट और अच्छा है तो उस हिसाब से बच्चे खाए पी और उनको पसंद भी आएगा। तो ये हमारी आज की रेसिपी रेडी हो गई है तो खाइए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच।